व्हाट्स अप गाइस, बिग बॉस का ओटीटी का माहौल शुरू हो चुका है। अपना फेवरेट कंटेस्टेंट कमेंट कर देना। बाकी अभी ब्लॉग आया एलविश का, फाइनली बिग बॉस में कटारिया की एंट्री हो गई, तो देखते पूरे ब्लॉग और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। घंटा बचा है, कटारिया जी हमारे आ जाएंगे, सारे भाई आ रहे हैं अभी इकट्ठे होकर। दिनेश भाई दिल्ली से निकल लिए, मेरा पासपोर्ट आना था वो भी आ गया। कटारिया लक्ष्य अर्चित लेके आ रहे हैं सारी चीजें, बैठ के साथ में नीचे पूरा बंदोबस्त कर रहा हूँ। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न का माहौल है, लोगों की अपना बढ़िया चलेगी। कटारिया, कटारिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? कटारिया जी बिल्कुल जीत के आएंगे, फुल ऑन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू कटारिया। इससे ही पूछ लेते कटारिया के बारे में। भाई कटारिया के बारे में कुछ कहेगा? अरे कुछ बताना रहा कटारिया के बारे में, अभी शाय है थोड़ा। कैट है छोटू, कम हियर ब्रो। कैट है डॉग। भाई तुम्हें पता है जो हमारे साथ कटारिया रहता था वो बिग बॉस में जा रहा है, पता है तुम्हें? पता है तुम्हें किसने बताई? बता रहे थे। अभी 9 बजे आएगा, टीवी पे देखना ठीक है, सारे जने देखना। वो कौन गोलगप्पे मंगा रहा हूँ मैं। ले भाई ले जी, स्टार्ट थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा सौदा। इतने बज रहे हैं, इट्स 8:46, 14 मिनट में हमारा रात के 1 बजे तक देखा हमने भी पूरा। रेडी मैन कटारिया जा रहा, भीतर बता दे भाई ते मेरा लगी होगी अब तक तो प्रोमो देख के। ले भाई गो कटारिया मैन, वी आर हियर फॉर यू ब्रदर। और जैसा कि सभी लोगों को पता कि हमारे कटारिया भाई साहब अंदर हैं, तो भाई रोज जो एपिसोड आएगा उसकी समरी तुम्हारा भाई देगा कि कैसा रहा आज का एपिसोड और उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए था। तो बिल्कुल वो निष्पक्ष, हाँ बाइक से सीधी एंट्री करी थी। निष्पक्ष हम तो बोला भी ना जा रहा, निष्पक्ष निष्पक्ष हम तो बायस देंगे, हम तो मैं भी बायस ही दूंगा कहने को, निष्पक्ष निष्पक्ष नहीं नहीं मैं बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा भैया, जो सही है सही, गलत है गलत है, चाहे बेशक हमारा कटारिया ही क्यों ना हो। कटारिया ने तो सुनने में लड़ाई कर ली अभी से वो सुनने में तो मेरे भी आया, वो प्रोमो में दिख रहा विशाल पांडे से कोई लड़ाई बज गई उसकी, उसके बाद घर के अंदर भी लड़ाई बजी उसकी। प्रोमो आगे था क्या? लड़ाई पे आया वो भी पूरे कमबैक कर दिया कि आपके पॉइंट 8 है इनके 9 है तो दिखा दो पावर। कटारिया ने कुछ ऐसा बोलने लगता है कि कुछ खोल दूंगा। खैर कटारिया ने बोला था पीछे हाथ देकर खोल दूंगा, ऐसा कुछ बोला ना कटारिया ने? कन्फर्म नहीं अभी, शर्म नहीं आई कटारिया? कोई नहीं भाई, वी आर विद यू मैन, जो भी करा होगा सही करा होगा। अभी देखेंगे अभी कितनी देर में स्टार्ट हो जाएगा, 8 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा भाई प्रीमियर, यार मजा आएगा भाई। लेट हो गए, लेट हो गए भाई, भाई चल रहा हमने इसमें भी और चला रखा ताकि इसमें बंद हो जाए क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है, तो इसमें चलता रहे। अभी ना अभी तो दिखाएंगे, अभी तो पब्लिक बैठी है। मैं कह रहा हूँ कटारे के एंट्री पे भाई सारे भाई ताली मारेंगे, रेडी हो? चिल्ली भी, चिल्ली चिल्ली ना रुकनी चाहिए भाई। बंदी तो रो पड़ी यार, कौन है बंदी है, रो रही है जो, ये देखो भाई सपने सच हो गए बंदी के यार, सच अ प्लेटफॉर्म, सच अ गुड प्लेटफॉर्म। ब्लॉगर है ना भाई, आग मत थोड़ा साड़े ब्लॉगर है, ज्यादा नहीं कॉम्प्लीट मार देंगे भाई। कटारे की एंट्री घुसी में गोलगप्पे की पार्टी हुई, अभी जब कटारे की एंट्री हो जाएगी भाई, रेडियो कटारे की एंट्री के लिए रेडी। यो गाइस आवाज नहीं आ रही भाई, शेर शेर आने वाला है भाई, रेडी भाई? भाई अभी कितनी देर में आ जाएगा? थोड़ी सी देर में आ जाएगा, 6 मिनट में भाई। ये भाई ये जो बंदी है ना, ये थोड़ी ओवर एक्टर लगी बस मुझे ना, सच्ची जेन्युइन जेन्युइन ओवर एक्टर लग तो रही थी, मैंने भी बोला था ये थी, अंगूठी छूट गई किसी की। इसका सिंगल बेड है, लोग एक्टिव हो गए होंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कटारिया किसकी गर्ल्स होएगा, कटारिया गोलगप्पे भाई, कटारिया भाई यू आर नॉट विद अस बट गोलगप्पे है हमारे साथ, कटारिया के हमसे दूर जाने की खुशी वो तो लेके आए भाई, कटारे आज तक गोलगप्पे नहीं लेकर आया, क्यों देखा कभी गोलगप्पे लाता हूँ भाई। एंट्री होने वाली है,
अगला कौन आ रहा है? विशाल पांडे। 9 मिलियन वाला आ गया विशाल पांडे। नो हेट टू विशाल पांडे बट 9 मिलियन अगर भाई की है तो हम खड़े हैं भाई के पीछे है। 16 मिलियन घमंड घमंड की बात नहीं। और ये 16 मिलियन बोल रहे हो घरे रह जाएंगे, ये वो वाले नहीं है हमारे अलग है। 16 मिलियन ले भाई, पर ये भाई भी अच्छा लगता है मुझे, नो डाउट। ठीक है, बेचारा प्यारा सा है, क्यूटी। भाई स्टार्ट हो गया, विशाल पांडे आ गया भाई, फॉलोअर की बात चल रही है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया आपकी, कोई आर्मी तो होगी जो आपको आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, विशालियंस जैसे कि आपने कहा, विशालियंस आपके 9 मिलियन विशालियंस हैं। घर के अंदर जाने के बाद आप अकेले हैं जी, तो क्या 9 मिलियन क्या 1 मिलियन? सर मेरा ये बोलना है कि एक घर के बाहर अलग रहता है, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फैंस हैं, आप डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने फोन होने इस टाइम पे। एल्विश ने ग्रूम तो पूरा करा होगा पक्का भाई, ऐसे ऐसे कुछ भी बुरा था सर, बाकी 9 मिलियन तो है मेरे साथ और मैं बहुत खुश हुई है। लेकिन मैंने देखा है कि घर में आप कैसे भी खेलो लेकिन बाहर आपकी जो आर्मी है वो आपको जिता देगी, जिताने की कोशिश तो करती रहती है। आप दूसरी आर्मी बढ़ा, ये तो है सर। तो फिर आप अकेले कैसे हो? कंपटीशन वेलकम कंटेस्टेंट नंबर 6 बाइक से हुई थी ना हीरो होंडा, ये जेन्युइन खुशी होती है। वही ना, जब वही कह रही, कोई अपना ऐसे जाए ना। बहुत बढ़िया। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे 1.8 मिलियन है। तो भाई इनके हैं 9 मिलियन फॉलोअर्स और इनके हैं 1.8 मिलियन। एलविश वही ना जो लास्ट ईयर बिग बॉस ओटीटी के विनर थे। जो प्यार करने वाले मैं तो उनको एक वर्ड दे रखा है, जितने भी चाहने वाले हैं जो अपने माय भाई ने नाम लिया अंदर जाके दिनेश भाई, मौज कर दी मौज, उनको एक नाम दे देते हैं। तो भाई का कटारिया घर में सिस्टम है ना, देखा यार पसंद आ गई कटारिया ना। भाई गोलगप्पे खा लिए, वोटिंग चालू भाई, वोटिंग 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 चालू, टेक ओवर में भाई, अनलिमिटेड वोटिंग है भाई के नहीं। लेकिन ये कल ही कैसे शुरू कर दिया था? रुकनी ना चाहिए यो, इसमें जाके आएगी देखो, यहाँ फीड में टेक ओवर में जाएगी, इसमें भी दो ऑप्शन आ रहे, लव कटारिया और विशाल भाई। लव कटारी को करना भाई, अपने भाई को ये वो हो गया ना, मीटर किस का ही है अभी कर रहे हो? कर रहा हूँ भाई, करना करना फुल करते रहो भाई। अच्छा भाई अभी सब्सक्रिप्शन खरीद रहा हूँ। अच्छा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वोट, अच्छा वोट चल रहा है अभी, चल रहा है, ये स्टोरी डल रही है, सारी चीज चल रही है भाई, फुल ऑन नो बांधनी है तो वोट करने देख लो। दिखाइयो कटारिया भाई वोट सबमिट, ए कटारिया सबमिट, ए दो बार दबा के तीसरा क्लिक, दो बार दबा तीसरा क्लिक, दो बार दबा जरा, रात भर एक नाटक के टाइम पे करते हैं, तुम भी करो, तुम भी करो, सब करो, करने आ गए ये एक्टर, एक्टिंग करने आ गए, ये इसने अपनी जिंदगी की बेस्ट एक्टिंग का यही कर दी सारी। ये देखो भाई जुर्त नहीं थी मां की कसम, मुझे दिल से खुशी हुई एलविश भाई। अरे भैया
थैंक्स मैन भाई, कटारे को सपोर्ट करना पूरा। अरे कटारिया की, अरे कटारिया बोल, कटारिया का सपोर्ट करो भाई, कटारिया को सपोर्ट, और गुज्जर बिरादरी से भी कह दो, गुज्जर बिरादरी से कह दो अपनी। ये कौन है, गर्लफ्रेंड है तेरी? गर्लफ्रेंड है कपड़ा वो आएगा। मल्होत्रा जी कैसा लग रहा है अभी तक आपको बिग बॉस? दिखाया नहीं तो ब्लैक कपड़े वाला था, बड़ा सही फीलिंग आ रही है, वापस से एक साल पहले पहुंच गए, वापस से वही वाली फील आ गई। मेरे को तो पता नहीं था, भाई साहब कैसा लगा आपको, आप लोगों को अभी तक? अपना भाई इंदर जा रखा है, और कटारिया को अगर साइड करें तो कौन सा कंटेस्टेंट आप लोगों को पसंद है, एक एक करके लक्ष्य जी बताएं। एक लड़की तो आई थी, बस वो जो लड़की आई है वो मास्क वाला तो दिखाया नहीं, कौन था? लाल ड्रेस वाली सना मकबूल, सही है आपको भाई साहब? नीरज को याद, आपको भाई साहब? लव कटारिया, भाई का नेजी क्लाइंट है इसलिए भाई को नेजी। मैं अपना बताता हूँ पर्सनल, मुझे अभी तक सही लगा एक सना मकबूल, नीरज गोविंद की एंट्री अच्छी थी, और सना मकबूल को देख के ब्लश कर रहा हूं, इसलिए अच्छी लग रही है आपको? नहीं नहीं, जेन्युइन लगी मुझे, मतलब स्वीट लगी। नीरज बॉक्सर, अच्छा उसकी मस्ती एंट्री, मस्ती भाई भाई पता लग गई ना आज इसकी, और नेजी की भी एंट्री देखूंगा, इसकी एंट्री भी देखते हैं कैसी लगती है भाई। और भाई आपको कटारिया के अलावा कौन सा फेवरेट लगा? भाई कटारिया के अलावा ये जो बॉक्सर भाई आए हैं अपने, नीरज गोविंद, अच्छा अच्छा बंदा है। अभी नेजी की एंट्री देख लेते हैं क्या होता है जी, रेडी? भाई का क्लाइंट है नेजी। अच्छा क्या हर बार बिग बॉस में एक दो जने आ जाते हैं अपने क्लाइंट में, चलता रहता है। अब आवाज जी कह रहे भाई, हाँ सीरियसली जब एंट्री हुई थी नीरज की, मजा आ गया था, क्योंकि नीरज में एक तो अपना देसी टच, हरियाणवी टच, वो एंटरटेनिंग भी है, और आप देख लेना लिखवा के ले लो इस घर में, मुझे लगता है कि जब बहस होगी तो नीरज की एक अलग ही पर्सनैलिटी निकलेगी, और गजब वो, मतलब वो बंदे का स्टैंड लेने वाला जो होगा ना, एक तो आवाज, और प्लस एक तो वो धाकड़ लड़का, अपना हरियाणा का है भाई, और भाई ने वैसे भी इंटरेस्ट है, बहुत नाम करा है, हर एक चीज करी है, यहाँ पर एक साइड देखने को मिलेगी मस्ती, और भाई ने पहले कह दिया था हम तो भाई उधम उतारने वाले बाढ़ गए, तो मजा आएगा। और कटारिया अभी तक मुझे लगता है कि अभी तो धीरे धीरे साइड और निकल के आएंगे लोगों के, मुझे कटारिया को ग्रूम तो करा होगा एल्विश ने, पर ऐसे नहीं, लेकिन कटारिया ने पूरा बिग बॉस में तो देखा ही है, उसने मैनेज भी तो किया है बाहर, मैनेज भी किया उसने बाहर से, मार्केटिंग भी बहुत गजब करी, लेकिन मतलब अरे फिर भी एक एक्सपीरियंस तो बंदा बताता ही है, ये करना है ये नहीं, लेकिन मैंने चीज देखा है कि बिग बॉस के घर में ना लोग बोलते हैं हम पूरा चेक करके अंदर जाके ना ऐसा उल्टा पुल्टा पड़ जाता, कुछ भी काम किया था बाहर से कितना, लेकिन अभी तक मैं बात करूं तो कुछ बार कई बार होता है ना नए कंटेस्टेंट्स आते हैं बिग बॉस के घर के अंदर तो थोड़े दबे दबे से दिखते हैं, कटारिया का वो नहीं दिखा, कटारिया था फुल मस्ती में कि अपना ही घर है, मैं छुट्टी पे गया हुआ था, वापस मतलब वैसे दिखा जैसे व्लॉग में एकदम वैसे, हाँ वैसी मस्ती मस्ती, और यही एक चीज चाहिए कि आप नई जगह जा रहे हो अगर आप वहां थोड़े दब गए स्टार्टिंग में तो आपकी पर्सनैलिटी निकल नहीं पाती, या फिर लोग आपको फेक कहने लगते हैं। अब कटारिया को बाहर जैसा देखा है व्लॉग में उसी तरीके से वो बंदा अंदर दिख रहा है, तो वो चीज बाकी अभी इंटरेस्टिंग है। अरमान मलिक भी आया है और काफी कंटेस्टेंट्स है, तो अभी वड़ा पाव गर्ल भी है, तो हमने एक रात के एक बजे देखा, और वो जो ब्लैक कपड़ों में बैठा हुआ था मुझे क्यों लग रहा है वो मैक्सटर्न की मार्केटिंग कर रहा है, मैक्सटर्न ने तो वो भी मार्केटिंग भी हो सकती है ना भैया, लेकिन अगर वो ऐसे करता तो जियो सिनेमा अनिल कपूर को टैग नहीं करता, उसने टैग करके लिखा है कि मुझे वड़ा पाव गर्ल से रिप्लेस कर दे, ऐसा नहीं मुझे नहीं लगता, वो या तो वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी उसकी, ऐसा कुछ है, बाकी मजा आया भैया अभी तक तो, और मतलब मुझे लगता है कि ये सीजन भी अच्छा जाएगा, लगता है मुझे। बाकी आपके कौन से कंटेस्टेंट के लिए देख रहे हैं जरूर बताना, मेरे फेवरेट अभी इस टाइम पर दो हैं, कटारिया हो गया और नीरज भाई हो गए, ये दो मेरे फेवरेट हैं, बाकी आगे जाके कोई और भी फेवरेट बन जाए तो बात की बात है, लेकिन वो तो गेम पे मसाला मिलेगा इस वाले सीजन में भी लग रहा है, उम्मीद पूरी है। बाकी अगर भाई की भी रिव्यूज आते रहेंगे हर एपिसोड के तो उस पर भी रिएक्ट करेंगे, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।